प्रेरणा कथा सच पुरस्कृत होता है। मम्मी मुझे मत मारिए प्लीज, मम्मी सच में मैंने चोरी नहीं की, मुझे ये स्कूल के मैदान में पड़ा मिला, मेरा विश्वास कीजिए मम्मी मैंने चोरी नहीं की। बॉबी अपनी नींद में ही रो रो कर कह रहा था। रोजी ने जल्दी से आकर अपने भाई को हिलाया और चिंता से पूछा, बॉबी क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? बॉबी बड़बड़ाने लगा, मम्मी मम्मी मैंने सपने में मम्मी को देखा। रोजी को कुछ कुछ समझ आने लगा था। अवश्य ही बॉबी कल मम्मी की कब्र पर गया था। वो जानती थी कि जब भी बॉबी की कोई समस्या होती थी वो दौड़कर मम्मी की कब्र पर पहुंच जाता था और उसको बहुत राहत मिलती थी। मम्मी को मरे बहुत वर्ष हो गए थे, परंतु बॉबी के लिए मम्मी अब भी एक जीवित इंसान थी। रोजी ने उसको पूछा, क्या कल तुम मम्मी की कब्र पर गए थे? हाँ गया था, मैंने मम्मी को अपनी सभी समस्याएं बताई थी, मुझे विश्वास है मम्मी मेरे लिए प्रार्थना करेंगी। रोजी आंखों में आंसू लिए और मन में दया का भाव लिए अपने भाई को देख रही थी। वो फिर से बोलने लगा, रोजी तुम जानती हो कल क्या हुआ? भले ही मेरी जान चली जाए मैं सच के साथ ही खड़ा रहूंगा, मैं अपनी मम्मी के शब्द अपने दिल से लगाए रखता हूँ। बॉबी चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। रोजी अपने भाई को सांत्वना देते हुए बोली, मैं समझती हूँ बॉबी, मैं सब समझती हूँ। बॉबी ने अपनी बहन के गले में अपनी बाहें डालकर कहा, रोजी मेरी प्यारी बहन, मैंने तुमको नींद से उठा दिया, अभी तो रात के 2 ही बजे हैं, तुमको अब सो जाना चाहिए, तुमको डॉक्टर बनने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी पर ही ध्यान देना चाहिए, अब सो जाओ ताकि कल तुम जब उठो तो बिल्कुल ताज़ा महसूस करो। बॉबी को फिर नींद नहीं आई, वो रात भर माँ के बारे में ही सोचता रहा। उस सपने में उसने जो घटना देखी थी वो सच में ही हुई थी और हमेशा के लिए उसके दिमाग में अंकित हो गई थी। वो घटना तब हुई थी जब 20 बरस पहले बॉबी स्कूल में पढ़ता था। एक शाम को वो स्कूल से वापस घर आ रहा था, उसको स्कूल के मैदान में एक सुंदर पेन पड़ा हुआ मिला था। वो बहुत देर तक उस पेन को देखता रहा था और फिर उसने उस पेन को उठाकर अपने जेब में रख लिया था। वो उस खूबसूरत पेन के लोभ को नहीं छोड़ पाया था, उसने पेन उठाने से पहले इधर उधर देखा था कि कहीं कोई उसको देख ना ले। घर आकर वो उस पेन को खोलकर देख ही रहा था कि तभी उसकी मम्मी ने उसको देख लिया। उस दिन मम्मी ने एक पतली सी छड़ी से बॉबी को बहुत पीटा था, वो तभी रुकी थी जब छड़ी टूट गई थी। मम्मी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी परंतु वो चोरी कभी भी नहीं माफ़ कर सकती थी। उस रात बिना कुछ खाए बॉबी सोने चला गया था, वो देर रात तक रोता रहा था। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई उसकी मम्मी उसके पास आकर खड़ी हो गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। मम्मी की आंखों में भी आंसू थे, बॉबी समझ गया कि उसकी मम्मी को दुख हो रहा था। वो उठा और अपनी मम्मी से लिपट गया था। अपने बेटे को बेदर्दी से पीटने के कारण मम्मी को बहुत अफसोस हो रहा था, उन्होंने बेटे को अपनी भावों में भरकर उसके चेहरे को चूमना शुरू कर दिया था। मेरे बेटे मैं तुमको दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं अपने बच्चों को ईमानदार बनाना चाहती हूँ, चोर नहीं, हमेशा सच का ही साथ देना और किसी की कोई चीज़ चोरी मत करना, ये जीवन भर याद रखना मेरे बेटे। मम्मी की वो सीख बॉबी के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई थी। उस घटना के 2 महीने के बाद ही मम्मी की मृत्यु हो गई थी। माँ बहुत वर्षों से कैंसर से पीड़ित थी, बॉबी और रोजी दुनिया में अकेले हो गए थे। रोजी उस समय बहुत ही छोटी थी। बॉबी और रोजी के डैडी तो बहुत वर्ष पहले ही उनको छोड़कर चले गए थे। बॉबी और रोजी को उनकी आंटी क्लेयर ने संभाल लिया था। आंटी ने दोनों बच्चों को खूब पढ़ाया था और जीवन के लिए तैयार किया था। बड़े होकर बॉबी को एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। वैसे तो बॉबी इस कंपनी में सिर्फ एक क्लर्क था, पर वो काफ़ी पढ़ा लिखा था और खूब मन लगाकर काम करता था। मैनेजर डेविड को बॉबी की काबिलियत से खतरा लगने लगा। 2 वर्ष में ही बॉबी की तरक्की हुई। कुछ ही दिनों में यह चर्चा होने लगी कि बॉबी को कंपनी का मैनेजर बनाया जाने वाला था। मैनेजर डेविड अब किसी भी तरह से बॉबी को उस कंपनी से हटाना चाहता था, परंतु काम इतना आसान नहीं था क्योंकि सभी लोग जानते थे कि बॉबी बहुत ही सच्चा और ईमानदार था। लेटे लेटे ही बॉबी उस दिन दफ्तर में हुई घटना के बारे में सोच रहा था। उस सुबह जैसे ही बॉबी दफ्तर पहुंचा था मैनेजर डेविड ने उसकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी थी।
लो भाइयों देखो, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी आ गए हैं। बॉबी को समझ नहीं आया कि अचानक ही डेविड को क्या हो गया था। डेविड ने फिर कहा, तुम ईमानदार होने का दिखावा कब तक करोगे बॉबी? तुम धोखेबाज हो, देखता हो तुम्हारे साथ जैसा अनाथ इस कंपनी में कब तक रहता है। उस दिन बॉबी दफ्तर में बहुत ही उदास बैठा रहा। काम पर भी उसका ध्यान नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि क्यों वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बॉबी खुद से ही बोलने लगा, क्या कर सकता हूँ, दफ्तर तो मुझे जाना ही होगा मम्मी। आपने ही मुझे ईमानदारी का पथ दिखाया था और अब मेरी ईमानदारी के कारण लोग मेरे दुश्मन बन रहे हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा मम्मी। बॉबी कॉफ़ी तैयार है? रोजी की आवाज़ ने उसको चौंका दिया। उसने देखा कि सुबह के 7 बज गए थे। उसको देरी हो गई थी क्योंकि उस दिन उसको दफ्तर जल्दी जाना था। बॉबी ने चुपचाप कॉफ़ी पी और उस सुबह अपनी बहन रोजी से हंसी मजाक भी नहीं किया। उस सुबह वो जैसे ही दफ्तर पहुंचा, बहुत से पुलिस वालों को वहां देखकर वो चौंक गया। मैनेजर डेविड भी उनके साथ था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। यही है चोर इंस्पेक्टर, सारा सबूत आपको मिल ही चुके हैं, इसको जल्दी से गिरफ्तार कीजिए, मैनेजर डेविड ने इंस्पेक्टर को कहा। बॉबी समझ गया कि मैनेजर डेविड ने उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रच लिया था। वो बुरी तरह से फंस गया था। उसको पकड़कर थाने ले जाया गया। उसको कंपनी के पैसों की हेराफेरी के आरोप में पकड़ा गया था। मैनेजर ने पुलिस को नकली रसीदें दिखाई थी जिन पर बॉबी के हस्ताक्षर थे और कहा था कि वो सामान तो कंपनी में आया ही नहीं था पर पैसे जा चुके थे। मैनेजर डेविड और उसके कुछ साथियों ने मिलकर दफ्तर में एक योजना बनाई थी और बॉबी को फंसा दिया था। वो अदालत में खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाया और उसको जुर्म की सज़ा मिल गई। ऐसे जुर्म की सज़ा मिल गई जो उसने किया ही नहीं था। जेल में बॉबी का जीवन नरक जैसा ही था। उसको दिन रात रोजी की चिंता सताती थी। बॉबी के अलावा रोजी की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। वो जेल में अन्य कैदियों को अपनी बुरी हालत के बारे में बताता था और बहुत देर तक रोता रहता था। रोजी बहुत ही बहादुर लड़की थी। जब वो बॉबी को जेल में मिलने आई, उसने बॉबी से कहा, भाई तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, याद नहीं माँ कहा करती थी कि सत्य की जीत होती है, जल्दी ही सत्य सामने आएगा और तुम छूट जाओगे। रोजी ने बॉबी को एक बाइबल उपहार में दी। वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए बाहर चली गई। बॉबी ने जेल में बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन उसकी आंखें बाइबल के इन शब्दों पर रुक गई, सत्य तुमको ज्ञात होगा और सत्य तुमको मुक्त कराएगा। उस रात बॉबी बहुत देर तक उन शब्दों के बारे में सोचता रहा और शांति से सोया। रात को बॉबी को फिर एक सपना दिखा। उसने देखा कि उसकी माँ उसके पास आई है और उसके चेहरे पर मुस्कान है। माँ ने उसके माथे को चूमकर कहा, मेरे बेटे मैंने कहा था ना कि सत्य की विजय होती है, लो ये तुम्हारी ईमानदारी और सत्यता का परिणाम है। अगली सुबह जब वो उठा तो वो बहुत खुश था। 10 बजे उसको समाचार मिला कि कंपनी के मालिक ने डेविड और उसके दोस्तों की चालाकी का पता लगा लिया था और बॉबी को निर्दोष घोषित कर दिया था। डेविड और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वास्तव में हुआ कुछ यूँ था कि डेविड और उसके दोस्त कंपनी का बहुत सा पैसा नकली रसीदें दिखाकर ले चुके थे। एक दिन उनके बीच पैसे को लेकर झगड़ा हो गया था और ये बात कंपनी के मालिक तक पहुंच गई थी। मालिक ने पुलिस को बुलवाकर डेविड और उसके दोस्तों से सत्य उगलवा लिया था। बाजी पूरी तरह से पलट गई थी। जेल से बाहर आते ही बॉबी को कंपनी का मैनेजर बना दिया गया और ये समाचार खबरों में भी आया। दफ्तर में उसको मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। बॉबी अपनी बहन रोजी को लेकर अपनी माँ की कब्र पर गया और कब्र पर फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर खड़ा रहा। बॉबी ने कहा, मम्मी आपका बेटा वापस आ गया है, देखिए मम्मी मैंने चोरी नहीं की थी, मैं अब कंपनी का मैनेजर हूँ, सत्य की जीत हुई है मम्मी। बहन भाई दोनों की आंखों में ही खुशी के आंसू थे। बहुत बहुत धन्यवाद।